तीन गुप्तियों में हम विचार करें तो मनोगुप्ति की साधना कठिन है, पर उसका हमें पता नहीं लगता। जिसका पता लगता है वह है वचन गुप्ति की साधना। और आदमी का सारा व्यवहार बोलने से चलता है, बिना बोले कुछ भी नहीं होता। और भाषा हमारा विकास है। जिनमें वचन नहीं होता, जिनके पास शब्दकोश नहीं होता, वह विकास नहीं कर सकता। विकास वही करता है जिसके पास भाषा की शक्ति है, अच्छा शब्दकोश है, वही विकास का लक्षण है। वाक संयम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वचन गुप्ति या वाक संयम, वाणी का संयम करो, वचन की गुप्ति करो। जो केवल एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, जितना जीवन जितना श्वास उतने समय तक यह बराबर चलना चाहिए। आज जीवन वाणी का संयम रहे, आज जीवन वचन की गुप्ति रहे, तो उससे आत्मा की पवित्रता और व्यवहार को अच्छा रहेगा। लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, बड़ी शांति रहेगी। लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण है वाणी का असंयम। एक शब्द ऐसा कहा लड़ाई शुरू हो जाती। और शांति का बहुत बड़ा साधन है वाणी का संयम।